हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप लोग सब? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और 2023 ख़त्म हो चुका है और इस नए साल 2024, आज 2024 का पहला दिन है। और आज हमने एक नेचुरल परफ्यूम्स के ऊपर हमने रिव्यू देना है। और वो जो परफ्यूम है वो आप समर में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं और आप पे डिपेंड करेंगे आगे। अगर आपको उसकी खुशबू अच्छी लगती होंगी तो आप उसको इस ठंडी में भी उसको ऊद के साथ ब्लेंड करके या फिर किसी और भी शमामा के साथ या फिर किसी फ्रेगरेंस के साथ जो थोड़ी सी स्पाइसी टाइप की हॉट टाइप की फ्रेगरेंस हो तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम उसी का एक फ्रेगरेंस लेके आया है। तो आपने कई सारे वीडियोज़ देखे और बहुत सारे आपने सब्सक्राइबर्स भी, दो सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो अभी और सब्सक्राइबर आना बाकी है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कोई परफ्यूम अगर बाय करना है तो आप हमारे पास से बाय कर सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने दिया वाले तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो आराम से। साथ ही साथ आज जो हम लोग दिखाने वाले वो एक नेचुरल अत्तर है जो कन्नौज में स्पेशली बनता है और उसका का जो नाम है वो है रूखस, जिसको हम वेटिवर बोलते। तो आज हम उसी का एक रिव्यू दे रहे हैं खस का। आप देख सकते हो खस जो है कुछ इस तरह से दिखता है, ये देख लीजिए, ये खस है, ये है खस सबसे पहले तो। और मैं आपको उसका थिकनेस दिखा देता हूँ, मैं ये कैसा दिखता है। सो इसकी खुशबू बहुत अलग है, नॉर्मली ग्रास जैसी खुशबू नहीं है, थोड़ी कड़वाहट है इसमें। ये पुराना है, कम से कम 3 से 4 साल पुराना ही है। इसको मैंने ऊद के साथ ब्लेंड किया था और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस मिली थी मुझे, जो आप विंटर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगाना है डायरेक्टली, आप ईयर लॉब्स पे लगा सकते हो या फिर आपको हाथ पैर अप करके आपके बॉडी पर लगा सकते हो। नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, पूरा नेचुरल है, कन्नौज में बनता है ये भट्टी में। और बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। ये रूखस नंबर 1 आप देख सकते हो, इसका थिकनेस भी देख लीजिए आप। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, लेकिन जिनको थोड़ा फ्रेंच टाइप की खुशबू पसंद है, जिनको मिक्स टाइप की खुशबू, उन ले उनके लिए उतना सूट नहीं करेंगे। ये पुराना हो चुका है थोड़ा, देख सकते हो इस तरह से दिखता ही है। आप इसके टिप्स पे देख सकते हो कि थोड़ा घास लगे आला है, घास की इसका एक फ्रेगरेंस है। और यह है रूखस नंबर 1, इसको वेटिवर बोलते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है ये, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस इसकी। ये देख लीजिए फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको अमूल परफ्यूम से बाय कर सकते हो। लास्टिंग की बात करें दोस्तों तो लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा इसकी नेचुरल है, लेकिन स्टार्टिंग में उसकी खुशबू वो सर ने पसंद नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद से 5-10 मिनट के बाद से उसमें थोड़ा चेंजेस लाइट हो जाता है और उसमें थोड़ी एक मीठी खास की जिसकी खुशबू आपको फील कर सकती है। इसमें आप किसी और परफ्यूम के साथ भी ब्लेंड करवा सकते हो उसको आराम से, और बहुत अच्छी टाइप की खुशबू है। ये है रूखस नंबर 1 जिसके ऊपर हम रिव्यू दिया था। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शमामा तुलंबर के बारे में मैंने पहले भी डाला था तो उसका मैं आई बटन पे डाल दूँगा। और ऊद जो है उसको हम ऊद की फ्रेगरेंस को हम ऊद आसामी बोल के मैंने वीडियो डाला था, अगर आप नहीं देखा उसका भी मैं आई बटन पे डाल दूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तभी जाके हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें आगे वीडियो डालना है कि नहीं डालना, कि आपको पसंद है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है।
तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन से नए परफ्यूम्स लेना है, तो आप हम उसके ऊपर रिव्यू देंगे। हम क्लोन्स मोस्टली प्रेफर करते हैं, तो आपको क्लोन के इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ ये फ्रेगरेंसेस बहुत ज़बरदस्त है, इंडियन फ्रेगरेंस में आते हैं और ये इनकी जो खस है बहुत अच्छे। तो इसी तरह से इसकी खुशबू की बात करें तो थोड़ा सा ये घास घास स्वीट घास के जैसे साथ साथ थोड़ा सा स्मोकी टाइप की खुशबू आप इसमें फील कर सकते हो, ओरिजिनल खस में। ये कूलर में हम लोग जब स्नान करते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है ये, लॉन्ग लास्टिंग भी है और गर्मी के समय में एक ठंडी का एक फीलिंग मिलता है हमें, तो वो ज़बरदस्त है ये आइटम। आप इसको बाय कर सकते हो अमोस परफ्यूम से। तो अगले वीडियो को मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय और हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को।